नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, राज्य में रात्रि 9 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक 15 मई तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। प्रदेश के स्कूल और कॉलेज सहित सभी शैक्षणिक संस्थान 15 मई तक बंद। जिम, मॉल, पार्क और सिनेमा हॉल को भी बंद किया गया। राज्य भर में सभी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान अब शाम 6 बजे तक ही खुली रहेंगी। और प्रदेश में अब तक 57 लाख से अधिक लोगों को कोरोना से बचाव का टीका लगाया गया। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसीलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। राज्य में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार ने नाइट कर्फ्यू सहित विभिन्न प्रतिबंधों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब से कुछ देर पहले संवाददाताओं से बातचीत में इन प्रतिबंधों की घोषणा की। रात्रि में 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। पूरे बिहार में हर जगह पर नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। शाम के रात में 9 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक, यह एक निर्णय हो गया है। और सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, फल एवं सब्जी दुकानें, मंडी तथा मांस एवं मछली की दुकानें अब शाम 7 बजे तक रखे थे खुला, उन लोगों को अब 7 बजे के बजाय 1 घंटा कम करके 6 बजे तक उसको अब खुला रहेगा। 6 बजे के बाद वो खुला नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल और कॉलेज सहित सभी शैक्षणिक संस्थान 15 मई तक बंद रहेंगे। अब जो आप निर्णय हो गया है कि जो पाबंदियों के बारे में कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान जो 18 अप्रैल तक, मैंने आज के दिन तक जो तय किया गया था पहले, अब उसको बढ़ा करके 15 मई तक बंद रखा जाए। ये हम लोगों ने तय कर लिया कि जिस तरह से जितनी स्थिति बढ़ती चली जा रही है तो उसको 15 मई तक बंद रहे। और इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय और विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएंगी। तो इस तरह से ये कर दिया गया 15 मई तक का। फिर सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, पार्क एवं उद्यान को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। उसमें लोगों का आना जाना नहीं हो, ये सब बात अभी आज तय कर दिया गया है। और इसको अभी हम लोगों ने बंद करने का जो निर्णय लिया है, ये सब 15 मई तक के लिए अभी का फैसला है। रेस्तरां और ढाबों में बैठकर खाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि लोग 9 बजे तक यहां से खाना पैक करा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने दूसरे प्रदेश में रहने वाले लोगों से जल्द बिहार वापस आने की अपील की है। श्री कुमार ने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों को सभी चिकित्सीय सुविधाएं और रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल की तर्ज पर इस बार भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा, जहां उपचार की सभी व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इससे पूर्व सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर उच्चस्तरीय बैठक कर इन प्रतिबंधों पर निर्णय लिया। बैठक में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद हैं। प्रदेश में कल कोरोना के सर्वाधिक 7,870 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 1,804 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। वर्तमान में राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 39,497 हो गई है। वहीं स्वस्थ होने की दर घटकर 86.96% हो गई है। प्रदेश में कल 1,20,603 लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए गए। अब तक प्रदेश में 57,83,260 लोगों का कोविड टीकाकरण किया जा चुका है। इनमें से 50,44,511 लोगों को टीके की पहली डोज, जबकि 7,38,749 लोगों को दूसरी खुराक दी गई है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के सर्वाधिक 2,61,500 मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान 1,38,000 लोग ठीक भी हुए हैं। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 18 लाख से अधिक है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान 15,66,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। इस समय देश में 2,463 प्रयोगशालाओं में कोविड नमूनों की जांच की जा रही है। इनमें 1,233 सरकारी और 1,230 निजी प्रयोगशालाएं हैं। देश में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 12 करोड़ 26 लाख से अधिक हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 26,84,000 से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए गए।
देश में कोविड टीकाकरण केंद्रों की संख्या भी 45,000 से बढ़कर 60,000 से अधिक हो गई है। केंद्र सरकार ने बिहार में 2 केंद्रों सहित विभिन्न राज्यों में 162 ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना को स्वीकृति दी है। इससे चिकित्सा सेवा में उपयोग के लिए ऑक्सीजन की क्षमता 154 मीट्रिक टन से अधिक बढ़ जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इन संयंत्रों पर आने वाला 201 करोड़ रुपए का खर्च केंद्र वहन करेगा। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ईएसआई अस्पताल बिहटा में बिस्तरों की संख्या 50 से बढ़ाकर 500 करने का निर्णय लिया है। अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि 2 से 3 दिनों के अंदर बिस्तरों को बढ़ाने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि अस्पताल में अत्याधुनिक आईसीयू सहित इलाज की सभी सुविधा उपलब्ध है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों और उनके अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पत्र लिखकर कहा है कि वे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपने अस्पतालों में कोविड-19 के रोगियों के लिए बिस्तर आरक्षित करें। उन्होंने कहा कि इससे राज्यों में बिस्तरों की कमी की समस्या दूर की जा सकेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे अस्पतालों या ब्लॉकों का विवरण लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। मंत्रालय ने इन कोविड वार्डों और ब्लॉकों में ऑक्सीजन सहित बिस्तरों, आईसीयू बिस्तरों, वेंटिलेटरों, प्रयोगशालाओं और रसोई के अलावा स्वास्थ्यकर्मियों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन की आवश्यकता और उपलब्धता की निगरानी करने के लिए एक नियंत्रण कक्ष का गठन किया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि कोरोना संक्रमितों का इलाज कर रहे अस्पतालों में ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। श्री अमृत ने कहा कि सरकार ने रेमडेसिविर दवा की आपात खरीद करने का भी निर्णय लिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। कोरोना के गंभीर रोगियों के बेहतर इलाज में प्रभावी एंटीवायरल औषधि रेमडेसिविर का उत्पादन अगले 15 दिन में दुगुना कर लगभग 3 लाख शीशी कर दिया जाएगा। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि इस समय देश में 20 विनिर्माता संयंत्रों में इसका उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 20 और विनिर्माण स्थलों के लिए सरकार की मंजूरी मिल चुकी है और उनमें जल्द उत्पादन शुरू हो जाएगा। इससे इस दवा की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 1.5 लाख शीशी बढ़ जाएगी। श्री मांडविया ने कहा कि केंद्र के हस्तक्षेप के बाद बड़ी दवा कंपनियों ने अपने रेमडेसिविर ब्रांड की कीमतें काफी कम कर दी हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय रेल कोविड महामारी से लड़ाई में पूरी क्षमता के साथ लगी हुई है। रेल मंत्री ने कहा कि इस समय भारतीय रेल के 16 जोन में 4,000 से अधिक कोविड कोच उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि इन कोचों को राज्य सरकारों के अनुरोध पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। श्री गोयल ने कहा कि रेल विभाग ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियां भी चला रहा है, जिससे कोविड मरीजों के लिए भारी मात्रा में और तेजी से ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के तेजी से आवागमन के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोविड नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से टीकाकरण कराने की अपील की है। पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए सारी ताकत से जूझना है। वही टूल्स हैं हमारे, लेकिन उन टूल्स को हमने परफेक्ट तरीके से इम्प्लीमेंट करना, चाहे वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हो, चाहे कंटेनमेंट की बात हो, चाहे टेस्टिंग की बात हो, या अस्पतालों की तैयारी की बात हो, या वैक्सीनेशन को पहुंचाने की बात, जिस एलिजिबल ग्रुप को मिलना चाहिए, जहां भी पैंडेमिक है वहां मिलेगा तो बचाव होगा, जान बचेगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टर नीरज निश्चल ने आकाशवाणी से बातचीत में सभी पात्र लोगों को कोविड टीका लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि संक्रमण से बचाव के लिए प्राथमिकता के आधार पर टीका लेना जरूरी है। जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, अब लोगों को समझने की जरूरत है कि हम कह रहे हैं कि भाई वैक्सीन आपकी जान बचा सकता है। अगर डरने की जरूरत है आप इस बीमारी से डरिए, वैक्सीन से नहीं। वैक्सीन सेफ और काफी इफेक्टिव है। समझने की जरूरत है कि वैक्सीन का जो प्राइमरी काम है, अगर बाई चांस आपको वैक्सीन लेने के बाद इन्फेक्शन हो भी गया तो किसी भी सीवियर बीमारी में कन्वर्ट होने से आपकी जो बीमारी है इतने डेवलप न हो कि आपको वेंटिलेटर पर जाने की जरूरत पड़े, इन सब चीजों से बचाने में आपकी मदद करता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस अप्रैल में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि कोविड महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया गया है। जेईई मुख्य परीक्षा के अप्रैल सत्र का आयोजन 27, 28 और 30 अप्रैल को होना था।
एजेंसी ने कहा कि परीक्षा की संशोधित तिथियां बाद में घोषित की जाएंगी। महापर्व चैती छठ के तीसरे दिन आज व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। कल उदयीमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही चार दिवसीय महापर्व संपन्न हो जाएगा। कोरोना संकट के मद्देनजर व्रतियों ने अपने घरों में ही अस्थायी जलाशय बनाकर अर्घ्य देने की व्यवस्था की है। राजधानी पटना समेत प्रदेश भर के तापमान में चौथे दिन कमी दर्ज की गयी है। मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक एसके मंडल ने बताया कि झारखंड में चक्रवाती प्रभाव का क्षेत्र बनने के कारण अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश की संभावना है। वहीं कुछ जगहों पर आंधी पानी के साथ ओले भी गिर सकते हैं। आज के प्राप्त मौसमी विश्लेषण के अनुसार राज्य में पश्चिमी हवा का प्रवाह शुरू हो गया है। इसकी वजह से एक बार फिर अगले दो दिनों तक आर्द्रता की मात्रा में कमी आएगी एवं अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। यद्यपि अगले 48 घंटों में हीट वेव की स्थिति होने की कोई गुंजाइश नहीं है। आज के प्राप्त मॉडल के अनुसार दक्षिण बिहार एवं झारखंड के आसपास समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर एक चक्रवातीय परिसंचरण बना हुआ है, जिसकी वजह से अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पूर्वी जिलों में एक या दो स्थानों पर हल्की वर्षा के साथ बिजली चमकने की संभावना है। 21 एवं 22 अप्रैल को एक बार फिर राज्य में पूर्वी हवा के स्थापित होने की संभावना दिख रही है, जिससे तापमान सामान्य के आसपास रहेंगे। पश्चिम चंपारण के सिकटा में एसएसबी के जवानों और सिकटा पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर मंझौलिया निवासी एक व्यक्ति को 65,000 रूपये जाली भारतीय मुद्रा के साथ गिरफ्तार किया है। नालंदा जिले के नगर नौसा प्रखंड की अरियामा पंचायत की कार्यकारी महिला पैक्स अध्यक्ष दमयंती देवी की आग से झुलसकर मौत हो गई। अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र के बोरिया से पुलिस ने एक वाहन से लगभग 800 बोतल प्रतिबंधित दवा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, राज्य में रात्रि 9 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक 15 मई तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। प्रदेश के स्कूल और कॉलेज सहित सभी शैक्षणिक संस्थान 15 मई तक बंद। जिम, मॉल, पार्क और सिनेमा हॉल को भी बंद किया गया। राज्य भर में सभी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान अब शाम 6 बजे तक ही खुली रहेंगी। और प्रदेश में अब तक 57,00,000 से अधिक लोगों को कोरोना से बचाव का टीका लगाया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।